खबर गरियाबंद जिले से है, जहां नगर के पहाड़ों में बसे आमा मोरा ओड़ पंचायत में रहने वाले 700 पिछड़ी कमार जनजाति के लोगों में 50 से 70 लोग पलायन कर गए। बता दें कि आश्रित ग्राम हथौड़ीडा और नगराव के कई घरों में ताला लटका हुआ है। कुछ घरों की रखवाली में केवल बुजुर्ग मौजूद हैं, साथ ही पलायन में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। दरअसल परंपरागत बांस बर्तन के काम को बढ़ावा देने में नाकाम सिस्टम और मनरेगा जैसे काम के लिए भी पेट पूजा की परिपाटी ने जनजाति के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रशासन का मानना है कि ये पलायन परंपरागत रूप से होता है, साथ ही मनरेगा के पर्याप्त काम होने की बात कह रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किन परिस्थितियों के चलते सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति के लोगों को मजबूर होकर घर परिवार और गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाने को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हमारे तरफ से तो पर्याप्त काम वहां पे सैंक्शन है और मनरेगा का काम लगातार चल ही रहा है, मस्टर रोल भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पलायन की सिर्फ एक ही वजह नहीं होती है, बहुत सारी वजह हो सकती है। उसमें बहुत सारे लोग जो हमको पता है उसके आधार पे बहुत सारे लोग उसमें ईंट भट्टे इत्यादि में परंपरागत रूप से उनकी कई पीढ़ी काम करने जाती है, तो वो लोग आदतन जाते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि उनको उसमें मजदूरी आदि ज्यादा मिलता हो जो कि मनरेगा से कम हो, तो ये उनके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, पर हमारे तरफ से तो हमने पर्याप्त काम वहाँ पे सैंक्शन किया हुआ है। अच्छा, अभी मेरे यहाँ 40 बच्चे हैं दर्ज जी, 40 बच्चे में 10 बच्चे उसके पालक के साथ गए थे आंध्रा सीटा बनाने के लिए, जैसे शीतकालीन छुट्टी हुआ उसमें चले गए और गए थे, तो फिर हम लोग उसको लेने के लिए गए और जाने के बाद वहाँ हमको तो यह भी पता नहीं था, फिर इधर पता करते करते गए हम लोग वहाँ महबूब नगर सेठ से भी बात हुआ, फिर बच्चों को लेने के नहीं दे रहे थे कि नहीं हम हॉस्टल का बच्चे हम ले जाएंगे ही चाहिए, फिर मना भी कर दिए थे, उसके बाद फिर वापस आए हम लोग को लेने के लिए। हर काम के अभाव है, तो मन गांव में कमाना पसंद नहीं करे हो, देश जा कर मन है मन तो ऐसे 20-30 जन ऐसे टाइप के ज़्यादा भी है। जब घर में नहीं जुड़े आज तक? हाँ। क्या वजह से नहीं जुड़े? बहुत जन ध्यान नहीं दे कर जाग कार्ड जुड़ाए, पर भी पंचायत में आके जुड़ाए की कोशिश नहीं करे। वो सर कि इधर से हमारे काम धाम कुछ नहीं है ना उधर, इसी कारण वो उधर प्रदेश गया था। हम लोग कहाँ गए? वो हैदराबाद साइड में गया था, वो काम करने के लिए ईट उठाने के लिए। कितना लोग गए? कम से कम ये गांव ने 20-25 आदमी 30 आदमी गए थे। और घर में कौन कौन रह जाते? घर में वो कोई किसी घर में बूढ़ा आदमी है तो वो रहता है घर में, और वो जवान जवान सब चले गए उधर। कब गए हैं, कब आएंगे वो लोग? 6 महीना उधर रुकेगा और जून 15 तारीख में वो लोग आएगा।